दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक जीरे के बारे में। नॉर्मल जीरा जो आप लोग देखते हैं उससे आज ही छोड़ दीजिए और अब इस्तेमाल कीजिए ब्लैक जीरा, काला जीरा, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अक्सर खाने में तड़का लगाने के लिए लोग जीरे का इस्तेमाल करते हैं। घर में तड़का लगाने के लिए उपयोग होने वाले जीरे के अलावा भी एक अन्य तरह का जीरा आता है जिसे ही काला जीरा के नाम से जाना जाता है। काला जीरा कई सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। क्या है काला जीरा की खासियत और क्यों इसे इतना अच्छा माना जाता है, समझने के लिए इस वीडियो को पूरी देखिए। इस वीडियो के अंदर हम काला जीरा से जुड़ी सभी या वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर देने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्यों है इतना खास, क्यों इसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखें और वीडियो को लाइक कर दें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट जरूर करके जाएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। आप लोग जो कमेंट करते हैं उसी पर आधारित वीडियोस आती रहती हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम फायदे के बारे में जान लेते हैं कि इस काले जीरे के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा पाचन के लिए। काला जीरा पाचन के लिए बहुत ही अच्छा बताया जाता है। NCBI यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार काला जीरा कई समस्याओं के लिए ट्रेडिशनल उपचार के रूप में काम करता है, जिसमें से एक पाचन भी शामिल है। इसे डाइजेस्टिव यानी पाचन में मदद करने वाला कहा जाता है, जो पाचन को बेहतर बनाने के साथ ही डाइजेस्टिव ट्रैक से जुड़ी परेशानियां जितनी भी हैं सभी को दूर करने में सक्षम है। रिसर्च में कहा गया है कि काला जीरा का काढ़ा पीने से आपकी अपच की जो परेशानी है वो दूर होती है। तो इसलिए जिनको भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है वो काले जीरे का सेवन जरूर करें। उसके अलावा सर्दी और बुखार के लिए, सर्दी और बुखार से राहत पाने के लिए भी काला जीरा का उपयोग कर सकते हैं। इसे सर्दी के लिए पारंपरिक दवाई के रूप में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही काला जीरा बुखार को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। भले ही काला जीरा सर्दी और बुखार को कम कर सकता है, लेकिन इसमें मौजूद कौन सा गुण इसमें सहायक होता है उसको लेकर अध्ययन अभी भी जारी है। उसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काला जीरा खाने के फायदे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हो सकता है। NCBI की वेबसाइट पर पब्लिक एक रिसर्च में बताया गया है कि काला जीरा थेराप्यूटिक गुण से समृद्ध होता है। ये गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर एलर्जी रोग जैसे एलर्जिक साइनाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा, एटोपिक एक्जिमा आदि को होने से रोकने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। उसके बाद जो है वजन घटाने के लिए, मोटापा और वजन बढ़ने से परेशान है तो काला जीरा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इस संबंध में प्रकाशित एक मेडिकल रिसर्च की माने तो काला जीरा के बीज में एंटी ओबेसिटी गुण होता है, जो मोटापे को कम करने में मुख्य भूमिका निभाता है। साथ ही इसमें कमर के आकार और बॉडी मास इंडेक्स में भी कुछ हद तक कमी नजर आ सकती है। ऐसे में वजन को कम करने के लिए काला जीरा को आहार में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद पेट में दर्द के लिए, पेट व आंत से जुड़ी परेशानियों के लिए काला जीरा का इस्तेमाल अच्छा माना जा सकता है। NCBI में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि काले जीरे से पेट फूलने, उल्टी होने और जी मिचलाने जैसी परेशानियों में राहत मिलती है। इसके अलावा काला जीरा में मौजूद एनाल्जेसिक प्रभाव यानी दर्द को कम करने वाला प्रभाव जो है दर्द को कम करता है। तो ऐसे में काले जीरे को पेट दर्द के लिए भी उपयोगी माना जा सकता है। उसके बाद कैंसर के लिए, कैंसर जैसी घातक समस्या से हर कोई बचकर रहना चाहता है। इस समस्या को दूर रखने के लिए काला जीरा मददगार साबित हो सकता है। इन संबंध में NCBI द्वारा जारी किए गए रिसर्च में यह बताया गया है कि काला जीरा में एंटी कैंसरस गुण पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाव कर सकता है। साथ ही इसे अल्टरनेटिव कीमोथेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ध्यान रहे कि काला जीरा कैंसर का इलाज नहीं, यह गंभीर समस्या के लिए आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। यह नहीं कि काला जीरा आपके कैंसर का इलाज करेगा, बस एक सहयोग कर सकता है। उसके बाद सरदर्द के लिए, कमर पेट में दर्द होता रहता है तो काला जीरा का पानी पी सकते हैं। रिसर्च बताते हैं कि काला जीरा का उपयोग सिरदर्द की शिकायत होने पर सालों से किया जाता रहा है। दरअसल इसमें एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को कम करने वाला प्रभाव होता है। इससे सिरदर्द की परेशानी में भी आपको राहत मिल सकती है।
उसके अलावा अगर त्वचा के लिए हम बात करें तो काला जीरा बेनिफिट्स त्वचा से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी देखे जा सकते हैं। एनसीबीआई की वेबसाइट पर पब्लिश एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार काला जीरा में एंटी माइक्रोबियल गुण और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के साथ ही वुड हीलिंग और स्किन पिगमेंटेशन को कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है। ये गुण सोराइसिस, मुहासे, घाव, जलन और पिगमेंटेशन यानी काले दाग धब्बों की समस्या से राहत दिला सकता है। काला जीरा का पेस्ट एक्जिमा और अन्य त्वचा की संबंधित समस्याओं पर जो है लगाने से बहुत ही ज्यादा आराम मिल सकता है। उसके बाद बालों के लिए काले जीरे के फायदे बालों पर भी नजर आ सकता है। इस संबंध में प्रकाशित एक शोध की माने तो काले जीरे के तेल को बालों में लगाने पर बालों में चमक आ सकती है, बनावट में सुधार होगा और बालों की समस्याओं में कमी आ सकती है। ऐसे में बालों की समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति को जो है काले जीरे का तेल, ऑयल आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। सारी चीजें अमेजोन पर अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो है काले जीरे का सेवन आप कर सकते हैं। जो जीरा ट्रेडिशनल आप यूज कर रहे हैं उसको छोड़ करके काले जीरे का इस्तेमाल करें, काले जीरे का सेवन करें। ये जो है बहुत ही थोड़ा ही यूज करना है, बहुत ही ज्यादा यूज नहीं होता। एक बार मंगा लेंगे अगर वैसे मार्केट में नहीं मिल रहा है तो बहुत दिनों के लिए आपके लिए जो है छुट्टी हो सकती है। तो मैं लिंक दे रखा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के मंगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।